विभागीय मंत्री महोदय श्री दीपक बिरवा जी आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी की अबुआ वीर अबुआ दिशोम अभियान के प्रति बेहद संवेदनशील आज अबुआ वीर अब वो अधिशम इस कार्यशाला में उपस्थित कल्याण के मंत्री दीपक बिरुवा जी और इस राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांति जी और बादना राडेल प्रधान सचिव बनवाजन बन। हमारे इस कल्याण विभाग की कृपा नंद और विशेष करके हम सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय इस कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारी जिला के उपायुक्त विभाग के डीओपो और अतिथिगण सभी को सबसे पहले हम आप सब का हमारो से जोहार आज जो कार्यशाला है ना बहुत बड़ा ऐतिहासिक है इस पीछे में आदिवासी का इतिहास इस जाल जंगल जमीन के लिए आज से नहीं है अभी तक का हम लोग जो आज साल में एक दो बार मानते हैं वो तीन चार सौ साल पीछे हम लोग जो सोलह सो सत्रह सो पन्द्रह सो उस समय से हमारा पूर्वज ने यहाँ लड़ाई लड़ा है ये और हम इसलिए इस व्यवस्था को लाना पड़ा है हमको याद है कोल्हानपुराहट में बहुत आंदोलन होते थे और वो आंदोलन के जो साथीगंथ थे उनका बदन में कपड़ा नहीं था धुलस्त जरूर था और उसी कोलान का धरती से ही झारखंड आंदोलन भी उभर गया कि हम इस जंगल के बीच के गांव को हमको बचाना इसको राजस्व गांव को बनाना है बहुत जब आंदोलन हुआ उस समय हम भी आंदोलन में प्रवेश किया था उन्नीस सौ में बहुत बड़ा गोलीकांड भी हो गया गोवा गोलीकांड पूरा कुल्हान एक दह हो गया है पूरा मिलिट्री भर गया है तीर धनुष पर प्रतिबंध लग गया और दादेश आ गया है कोई आदिवासी धनुष नहीं पकड़ पाएगा लेकिन चुनौती दे दिया उस जंगल का आदिवासी भाइयों कि हम चाय वा धरती पर उमुक दिन को आएंगे तीर धनुष लेके आएंगे कोई रोकता है तो रोक दीजिए इस जंगल में हमारा अधिकार है और इस गांव में हमको किसी तरह का हमका रसात भेदभाव मत करो अ धनुष लेके लाखों के, लाखो के संख्या जंगल में आया तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी उस समय संज्ञान में लिया कि आदिवासी सही आज आवाज उठाता जंगल से और उसका नेतृत्व दिशम गुरु श्रीषण किया कि अब ऑर्डिनेंस जो जारी किया है दिनों पर ये आपस लो इस लड़ाई हुआ था ये कुल्हान का धरती से हुआ था पुहाट का धरती से हुआ था तब तो भारत सरकार उस अंगन में ले लिया कि क्या है तब जाके उतना दिन लड़ते लड़ते से 2006 तक में हजार अधिकार मिला है यह हम इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे कि ये किस तरह से आज इस व्यवस्था आया आंदोलन में किसी का शरीर में नहीं था खुला बदन था लाखों परिवार और पैदा लाया उस तरह से आज इस बात को इसीलिए आज इस हम लोग आज का दिन जो इस विश्वर पे हम लोग गश्ती कर रहे तो हमको बड़ा खुशी लगा कि आज जी जगह में हम लोग आ, आज हम लोग शुरुआत कर रहा है इसको अभियान के रूप पर अभियान का नाम क्या दिया है अबुआ वीर अबुआ दिशुम इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना अभियान हम लोग एक डिस्मिल दो डिस चार डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं है जो आप लोग कभी नहीं गया होगा थलकोबाद से फिर पचास किलोमीटर दूर में है थलकोबाद वहां भी बस करता है किरीबुरु गुआ इतना पेड़ पौधा था आप जो रास्ता में जाइए आपको जितना ही आप ये धूप रहेगा आपको धूप नहीं रहेगा उतना बड़ा बड़ा साल का पेड़ था एक ही वहां का देखने को समझने को आपको मौका मिलता रोशनी नहीं मिलेगा आपको धूप में नहीं मिलेगा आपको उतना घना जंगल था जिस समय इस आंदोलन हम भी उस जगह जाने को मौका मिला था उस जगह से आंदोलन हुआ है ये इसीलिए इस धरती से झारखंड धरती से बहुत सा इतिहास भूगोल है जिस समाज का हम लोग बात करते हैं, उन सबसे जनजाति के अलग ही इनका इतिहास है अलग ही अपना परंपरा है आज भी पूरे पूरा इस झारखंड में जो जंगल भी बचा हुआ है तो ग्राम कमिटी जो बना है ग्राम कमिटी अपना हर क्षेत्र का अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है लेकिन आप पीछे नहीं होगा ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त तो बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करे जिसका जितना अधिकार है जितना में अपना खेत खलियान बन के बैठा घर बन के बैठा सब उसको सब चीज उसको अगर तीन हेक्टर है तो तीन हेक्टर ही देना है उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे उस समय का आप लोग इतिहास जानेगा उस समय का आंदोलन का आप लोग इतिहास जानने का का तो कम से कम तीन हजार से भी ज्यादा मुकदमा खाली कोल्हान पुहाड़ में दर्ज हुआ था फिर भी पीछे नहीं आया हटा तीन हजार से ज्यादा परिवार पो एफ हो गया था आशी में गोलीकांड होने के बाद में क्रॉस गोली चला था बहुत पढ़ा लिखा था इसे कोई बात नहीं थे अधिकार था कि हम यहाँ जंगल में बस गया है हम यहाँ पर खेत कल्याण भी बना दिया हमारा धान भी उपजाऊ करते हैं रोबी कृषि भी उपजाऊ करते हैं और अपने जीवन जपन करते हैं और यहाँ का फल है जंगल में बहुत सा फल खाने को है वो सारा चीज अपने आराम से जिंदगी वो लोग बिताते हैं। कभी किसी का देख के उसका मन में किसी तरह का तकलीफ नहीं होता था इतना सरल है आदिवासी मैं जंगल में बास करने वाला लेकिन अपना परंपरा अपना अस्मिता को बचाने के लिए कभी भी की पीछे नहीं हटता है ये तो हम लोग इसको लागू करना है उस व्यवस्था को ये बहुत सा यहां आवेदन क्यों रद्द हुआ है हजार हजार आवेदन रद्द हुआ है क्यों रद्द हुआ किस ढंग का देखा इसका जवाब भी देना होगा जो रद्द किया है आज बड़ा जिम्मेवार के साथ हम कहते हैं इसको अभियान को सफल करना है रद्द क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा क्यों इस तरह का सरल आदिवासी जंगल में वास करने के साथ क्यों इस तरह से आप सोते लपन व्यवहार कर रहा है उसका अधिकार हमको देना है कितना एकड़ है कितना है एकटर है ये आज से लड़ाई नहीं हुआ लोग कभी ना कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ ये वो जहां पर हराते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए वो सराना जंगल इतिया इस एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे बड़ा इलाका है उस जगह से इस बात को उठा है तब भारत सरकार इसको संगल लेने का काम किया था और उसका प्रदर्शन को देख के लाज में जो प्रतिबंध लग गया था तीर्थ दिनों से में हटना पड़ा इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़ गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं किरीबुरु आप पहुंच गया जामदा पहुंच गया एक किलोमीटर नहीं लगा वहाँ पर उड़ीसा लगा हुआ इतना सुंदर है इस इलाका में उसी इलाका में आदिवासी लोग रहता है राहुल कला सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंगन नगर बना है उड़ीसा में वहां से मयूरभ तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग है यहाँ गुमला पार कर दिया एक पर मिलोपर नाला है उस पार में छत्तीसगढ़ है यहाँ भी जंगल इलाका है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है उड़ीसा से भी आया है जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है उसी धरती के आदिवासी है कोल्हान पुराहाट जहां से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है वही इलाका है जो किरीबुरु के बाद उधर उड़ीसा पड़ेगा वहां भी आयरन हो रहा है वहां भी आदिवासी लोग बड़ा सदार से रहता है जहां का आयरन उसे देश और विश्व में नाम हो जाता है यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग लेकिन वहां पर जिसी तरह जहाँ उसी तरह अभी भी है थुल्कोबाद में उसी तरह है जंगल में गांव में बसा हुआ लोग वहीं पर है वहां से लेके यहाँ सिमडी मनोहरपुर वहां से सीधा गुमला जगह पहाड़ लगा हुआ एक लाइन से पड़ा हुआ सांताल परगना भी उसी तरह का है इसीलिए जो भी उड़ीसा से आया प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि आज अलग राज्य होने के बाद लंबा समय तक हम लोग दिखा है एक साथ छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग अलग हुआ था हमने विकास का आकलन नहीं करेंगे कौन क्षेत्र कौन राज्य कितना आ गया छत्तीसगढ़ चत, बहुत आगे बढ़ गया कि झारखंड बहुत आगे बढ़ गया लेकिन यहाँ का बुनियादी सा जो सवाल है आदिवासी के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण तो है हमने इसीलिए संचित में बड़ा लंबा इतिहास का बात आप लोग को याद कर दिया 400-500 साल से यहाँ का लड़ाई लड़ा है यहाँ का पूर्वजों ने अपना परम्पर अपना जो ट्रेडिशनल है परंपरा है उसी के लिए किसी देख के प्रभावित नहीं हुआ जो अपना है वही अपना के चल रहा है इस राज के साथ दुर्भाग्य कभी कभी नया नया चीज भी आने का ये शेड्यूल एरिया भी कुछ क्षेत्र पड़ता है जो यहाँ पर लैंड बैंक सामने जो आदिवासी के साथ बड़ा धोखा होने जा रहा है जिनका परंपरा के लिए हम उगलाती कहते हैं उसका बीच में लैंड बैंक के नाम पर भी यहाँ पर है फिर आदिवासी के साथ उनका परंपरा के साथ फिर धोखा होने जा रहा है इसलिए जो भी आज उपस्थित है उपायुक्त सभी जिला के आर डीएफओ विभाग के सभी विभाग के ये भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे बड़ा सरल बना देंगे हम लोग वर्षों से जो उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में हम लोग ऐसा व्यवस्था ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में एक डेढ़ महीना में हम लोग सफल हो जाए किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए जो ग्राम सभा को हमको मानना था ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है और उसको हम लोग सीमांकित कर देना है और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है कितना का एक एकड़ का है कि दो एकड़ का है कि एक हेक्टर का है उनका साथ हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे मेरा पूरा पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए है ना इसमें हम लोग इस राज का दशा दिशा तय कर ही लोग कर सकते हैं नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकता है शुभ संजय उपाध्याय बड़ा अपना प्रयास किया है कि वो कि ये होना चाहिए इस तरह से प्रावधान है भी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है हम लोग इच्छा शक्ति लाना जरूरी है भी। काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे यही सब का अपर है बड़ा खुशी है आज हम जो वर्षों से हम लोग इसको चर्चा करते हैं लेकिन आज हम लोग ये जो पाठशाला हम लोग पाठशाला में कोई गांव से नहीं आया है आज का पाठशाला में सब दायित्व तो हम लोग जिम्मेवार दायित्व तो लेने वाला सब है हम उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी आप लोग अच्छा और उड़ीसा के प्रतिनिधि हम लोग झारखंड का स्वर्ण में हम लोग बहुत काफी समय लगा है भी शुरुआत किया है बहुत उतार चढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत हम भी जा रखते हैं जान के उड़ीसा का कई स्थिति है क्षेत्र का आदिवासी बहुल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां का आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या स्थिति है वन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं आदिवासी के साथ सभी का साथ हम लोग न्याय करेंगे जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होके हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड भी एक विकास की ओर बढ़े चाहे जंगल के बीच में रहे चाहे जंगल के नीचे में चाहे नदी किनारे हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने के उसको का उसको सुजोग मिले ये राज का दायित्व है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे पीछे सोच के ही योजना को तैयार करना हर समुदाय को सम्मान से जीने का आज तो विशेष करके हम लोग का सलाह है वन अधिकार अधिनियम उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है जो भी परिवार है उसको उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ कोई जान ओन जान की के, जान के कोई अगर रद्द कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी अनजन से अलग बात है लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे अब मेरा विश्वास है कि आज का कई सलाह से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास को पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं, जोहार।